तौर पे वाहन चोरी और वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता है। इसके विरुद्ध 218/21 थाना सदर बाजार 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि पटेल नगर स्थित यह कोठी जिस पर हम आज खड़े हैं, हाजी नईम उर्फ गल्ला और इसके गिरोह ने अपराध करके अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया था। जिलाधिकारी मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय एवं विक्रय नहीं हो सकता। यदि कोई इसमें लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। रोल सर, नए वो वेस्ट यूपी का कुख्यात वाहन चोर था। कितने मुकदमे थे और किस तरह की हाजी नईम उर्फ गल्ला जो लगभग पिछले 30 वर्षों से अपराध की दुनिया में वाहन चोरी और संगठित रूप से वाहन कटान की दुनिया में कुख्यात था। इसके ऊपर 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये सामने आया कि इसकी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है और ये इसी तरीके से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है। तो इसके क्रम में ये संपत्ति जिस पे हम आज खड़े हैं, पटेल नगर स्थित इसकी यह कोठी, धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसको आज कुर्क किया गया। इस संपत्ति की अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है और इसके अलावा अन्य 2 संपत्तियां हैं जिसकी कुर्की का आदेश है, जिनको आने वाले दिनों में जब्तीकरण किया जाएगा। सही है।